खबर कराची। नाज़नी ग्राम, जैसे कि आप जानते हैं कि आज जुमे का दिन है और आज की जो ट्रांसमिशन है वो खुसूसी हमने हज के लिए महसूस रखी थी कि आज हज के हवाले से हम सना खानी भी करेंगे और मुल्क पाकिस्तान के बायनाज उलमा इकराम भी आज हमारे साथ होंगे। नाज़रीन इकराम, हज अल्लाह पाक ने एक ऐसा फरीज़ा मुसलमानों को दिया है कि जिसे अदा करना हर साहिब उस्ताद और गरीबों के लिए भी हज के लिए क्या फजीलत है और कैसे इसको करना है और कौन कौन इसके हज के फ़राइज़ को अंजाम दे सकता है, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। और बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत आवाज़ें हमारे साथ होंगी जो बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश करेंगे, असाना खानी करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स होंगी हमारे साथ। और हज के हवाले से जो नाज़रीन इकराम के अभी कल ईद का दिन है और आज शब ईद भी है, आज की फजीलत पे भी बात होगी कि आज की शब की क्या ऐसी फजीलत है और हमें क्या क्या एहतियात करनी है और कैसे क़ुरबानी के जानवरों को हमने आज का जो उनका आखिरी दिन है, क्योंकि कल वो ईद क़ुरबा है वो ज़िबा हो जाएंगे, आज हमने उनको कैसे देखना है, उनकी कैसे देखभाल करनी है और उनके लिए क्या क्या शरई हुक्म है। और हम सारी बातें जो हैं इस शो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप लाइव कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अगर आपने भी पिछले बरस हज की सआदत हासिल की है तो अपनी कीमती राय हमें दीजिए कि आज आप क्या महसूस करते हैं कोरोना वायरस जैसा मर्ज जो हम मुसलमानों पे बल्कि पूरी दुनिया पे एक खौफ तारी है कोरोना वायरस के वबा का, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके वो क्या तासुरात हैं कि आज हम उस बारगाह में नहीं जा पाए। क्या एहसासात हैं आपके, क्या मोहब्बतें हैं और जब आप वहाँ गए तो आपने वहाँ क्या महसूस किया, क्या रौनकें हैं वहाँ की, क्योंकि वो मंज़र, वो दिन, वो लम्हे, वो शाम, वो सुबह जो हम उस बारगाह में गुजारते हैं या गुजारते आए हैं, उनकी तकालीफ आज क्या है, हम उन सातों को याद करते हैं और हम क्या फ़ील करते हैं। नाज़रीन, आपने अगर हज बैतुल्ला की सआदत हासिल की है तो आप कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या फ़ील करते हैं आज, जो कि वहाँ पर शैतान को कैंकरियाँ भी मारी जाएंगी शब को, तो आज की शब आप क्या महसूस करते हैं, हज उम्रा जो आज हम नहीं कर पा रहे कोरोना वायरस की वबा के मंज़र, आज वहाँ पर लोग SOPs के तहत सारे अल्लाह की बारगाह में जो एक फ़राइज़ का फरीज़ा है वो अंजाम देंगे। नाज़रीन इकराम, मैंने तो खैर वहाँ पर ना उम्रे की सआदत हासिल की और ना हज किया, लेकिन दुआ है परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार आलम मुझे भी इन तमाम खुशियों में शामिल करो। ऐ अल्लाह, मुझे भी अपने उस पाक दरबार की हाज़िरी नसीब फरमाइए और जो जो लोग नहीं जा सके वो लोग भी जाएं और इस वबा से परवरदिगार इस दिन का सदका कि हमें इस वबा से निजात दिलाइए कि हम दोबारा उस बारगाह में आएं और हज की सआदत हासिल करें, उम्रे की सआदत हासिल करें। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे से जाने से पहले खूबसूरत सना खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज आपकी नात से हम वक्फे पे जाते हैं। नाज़रीन, वक्फे से आएंगे और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और उलमा इकराम और सना खान होंगे हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। शाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो,
काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मिसले परवाना फिरा, क्या बात है, करते हैं जिस शमा के गीत, मिसले परवाना फिरा करते हैं जिस शमा के गीत, अपनी उस शमा को परवाना यहाँ का देखो, अपनी उस शमा को परवाना यहाँ का देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। अरे मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो।